नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों? लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सब लोग परेशान हैं, घर में बैठे बैठे क्या करें, और सब लोग घर में बैठे हुए घर की दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट का खाना, यम्मी यम्मी डिशेस याद आना तो लाजमी है। तो घर का सिंपल खाना खाते खाते तो बोर हो गए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मार्केट स्टाइल यम्मी डिलीशियस सोया चाँप एंड मलाई चाँप रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को, और ये जितनी देखने में यम्मी है उतनी ही खाने में भी टेस्टी बनी है। आप लोग भी इसे घर में मिनटों में ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये फ्रोज़न चाँप ले ली है, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो आपको इजीली मिल जाए तो वो वाली ले लें, किसी ब्रांड के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से फ्रोज़न होती हैं। जब मैं बना रही थी उस समय लाइट चली गई, तो अब लॉकडाउन चल रहा है तो लाइट की भी कटौती हो रही है, तो डीफ्रॉस्ट करने के बजाय मैंने इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया, तो ये नॉर्मल हो गई। अगर आप लाइट है तो आप डीफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्रोज़न इस पे बर्फ़ जमी हुई थी वो डीप फ्रोस्ट होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। और ये स्टिक्स को हमने इस तरह से रिमूव कर लिया है, सारी स्टिक्स को। तो स्टिक्स को रिमूव करने के बाद हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे पूरा भी बना सकते हैं, पर पूरा बनाएंगे तो थोड़ा मसाला कम मैरिनेट होता है, तो थोड़ा स्लाइसिस में कट करके बनाने से मार्केट वाला लुक भी आता है और मसाला भी अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो मैंने इसे ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो अब एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने बटर डाल दिया है थोड़ा सा। अब बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और ये जो सारी चाँप हमने कट की थी स्लाइसेस, गोल गोल स्लाइसेस में, उनको हम रोस्ट कर लेंगे। बटर में रोस्ट करने से एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर बटर अवेलेबल नहीं है तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी तो 2 चम्मच ही डालना है। तो इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। सारे पीसेस को पलट पलट के मैंने अच्छे तरह से रोस्ट कर लिया है। तो देखिए इतना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इनके ऊपर। आप चाहें तो इनको ऐसे ही सॉल्ट डाल के ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये सारे मैंने रोस्ट कर लिए हैं और इनको निकाल लिया है अलग से प्लेट में। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज और एक शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और पैन में बटर ले लिया है, उसमें शिमला मिर्च और प्याज दोनों को डाल दिया है। अगर कैप्सिकम शिमला मिर्च ना अवेलेबल हो तब भी कोई बात नहीं, आप खाली प्याज में भी बना सकते हैं। तो बटर में इनको शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ी देर 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। जब तक ये सौटे हो रही हैं तब तक हम इसके बीच में जो मलाई चाँप बनाने के लिए जो हमें ग्रेवी डालनी है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई तामझाम नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 बड़े चम्मच दही चाहिए। और अगर घर में कोई बनी हुई चटनी है, जैसे मेरे पास हरी चटनी बनी हुई थी तो मैंने 2 चम्मच हरी चटनी डाली है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप सॉस भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालनी होती है क्रीम, तो मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ट्विस्ट किया, मैंने डाल दी मेयोनीज। और मेयोनीज को मैंने एज अ क्रीम यूज़ किया है। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल सकते हैं, मलाई हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मेयोनीज डाली है, और डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाल दी है कस्तूरी मेथी। इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं हो तो जो इंग्रेडिएंट है उसमें भी बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनेगी। एक आधा इंग्रेडिएंट अगर मिस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कुछ नहीं करना। अब तब तक हमारी ये शिमला मिर्च और कैप्सिकम और प्याज रोस्ट हो चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे चाँप, और इसको हल्का सा अगेन सॉटे कर लेंगे 1 सेकेंड के लिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बनाई है, वो दही मेयोनीज का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो अपने आप से इसमें जो चाँप हमने डाल रखी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी क्रंची भी रहेगी। तो आफ्टर 5 मिनट हमारी चाँप, मलाई चाँप बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग टाइम।
फ्रेंड्स सारी रेसिपी मेरी बन गई है, तो अब लाइट भी आ गई है, खुद चिमनी ऑन हो गई, थोड़ा सा नॉइस डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी मार्केट स्टाइल स्नैक्स, हेल्दी स्नैक सोया, जो आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में स्नैक्स के तौर पे, सोया मलाई चाप, जो देखने में इतनी जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में ही उतनी यम्मी बनी थी। और 5 मिनट के अंदर ये हमारी सारी ख़त्म हो गई, एक पीस भी नहीं बचा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा डाला है चंकी चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट के स्नैक स्टाइल हो गया था और खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो जल्दी से आप लोग भी अपने घर पर ट्राई कीजिए और बनाइए। जब भी आपको मौका लगे तो आप फ्रोज़न आइटम्स ज़रूर अपने घर में स्टोर करके रखें, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक ख़राब भी ज़्यादा समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं, और आप जब चाहें उन्हें बनाकर यम्मी यम्मी आइटम्स बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। तो खा लीजिए अभी, वाकई में बहुत ही यम्मी बना है, एकदम मलाईदार, एकदम बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी बहुत अच्छा बना था, हेल्दी एंड हाइजीनिक। आप अपने घर पे बना सकते हैं, तो जल्दी से ट्राई कीजिए और बनाइए, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने व्यूज एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपकी चाप कैसी बनी। तो ये मैंने जो प्लेटिंग की थी, मेरे बच्चों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने आकर कहा कि मम्मी हम अपने स्टाइल में प्लेटिंग करते हैं, तो ये मेरे बच्चे प्लेटिंग कर रहे हैं, अब छुट्टियों में उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो ये उनका प्लेटिंग स्टाइल है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। वाकई में ये वैसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग कर दी उन्होंने, तो आप भी देखिए, जब अगर प्लेटिंग अच्छे से कर रखी हो तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है, चीज़ अगर स्वाद ना भी बनी हो तो भी टेस्टी लगने लगती है, बट ये वाकई में टेस्टी बनी थी। तो इसे हमने सर्व कर दिया है थोड़ा सा केचप और इमली की चटनी के साथ, जो कि मैंने घर पे बनाई है, उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी शेयर करूँगी, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।